बहुत समय पहले एक गांव में यानाम नामक एक बालिका रहती थी। पिछली बार की तरह इस बार भी गांव में भयंकर महामारी फैली। पिछली महामारी में यानाम के परिवार से उसकी माँ, दीदी, भाई और दादी की जाने गई थी। उससे पहले की महामारी उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चों को खा गई। अब केवल परिवार में यानाम और उसके पिता ही बचे रह गए थे। परंतु इस महामारी ने पिताजी को भी नहीं बख्शा। पिता की मृत्यु से इस नन्ही जान को बहुत आघात पहुंचा। यानाम अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, वह तो पिता की लाडली राजकुमारी थी। पिता भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। पिता के असामयिक विछोह से यानाम को गहरा मानसिक आघात पहुंचा। गांव वाले जब पिता के शव को दफनाने के लिए ले जाने लगे तो यानाम बिलख बिलख कर रोने लगी और पिता के शव से लिपटकर गांव वालों से कहने लगी, शव को दफनाने नहीं दूंगी, शव यहीं पर पड़ा रहेगा, मैं उसकी देखभाल करूंगी। यानाम के भोले मन को यह लगता था कि सर्वशक्तिमान दोत्री पोलो सूर्यचंद्र अवश्य उसका रुदन सुनेंगे और पुनः उसके पिता को जीवित कर देंगे। गांव वाले भोली यानाम को समझा समझा कर थक गए कि मरने वाला कभी दोबारा जी नहीं उठता है। मगर यानाम अपनी जिद पर अड़ी रही, तनिक भी टस से मस नहीं हुई। अंततः गांव वालों को हारकर भारी मन से यानाम को रस्सियों से बांधना पड़ा ताकि समय से उचित संस्कारों के साथ शव को दफनाया जा सके। शव को दफनाने के पश्चात गांव वालों ने यानाम की रस्सियों को खोल दिया। गांव की एक बूढ़ी महिला उसे अपने घर ले आई और यानाम से कहा, मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगी, अब से तुम मेरी बेटी हो, स्वयं को अकेली मत समझना। यानाम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने पिता को याद करके रोती रही। बार बार पिता का सौम्य चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। इस तरह रात हो गई। बूढ़ी महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्य सो चुके थे, किंतु यानाम का मन इतना व्यथित था कि वह सो नहीं पाई। बार बार उसकी नींद उचट जाती। यानाम ने चुपके से फावड़ा उठाया और घर से बाहर चल पड़ी। रात के अंधकार में वह फावड़ा लेकर पिता के नबलू कन के पास पहुंची। यानाम फिर से रोने लगी। रोते रोते कब्र को खोदती जाती और कहती जाती कि मुझे आपके साथ रहना है, मैं यहाँ ऐसे अकेली नहीं रह सकती, मैं अकेली क्या करूंगी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ खुदाई के कारण। जब ऊपर की मिट्टी हटी तो यानाम ने देखा पिता का शव कपड़े में लिपटा हुआ है। यानाम ने और जोर लगाकर अपने हाथों से मिट्टी को हटाया और कब्र के भीतर कूद गई। भीतर उसने देखा पिता का शव ठीक कब्र के बीचों बीच रखा हुआ था और कब्र के दोनों किनारों पर पिताजी द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं थीं। जीशी जनजाति में कब्र में मृतक की वस्तुओं को रखने का रिवाज है। यानाम ने उन वस्तुओं को एकत्र कर एक कोने में रखा और ठीक पिता के सिर के सामने वाले कोने में बैठ गई। बैठकर पुनः रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं। फिर थकी मांदी यह नन्ही जान नींद के आलिंगन में समा गई। शायद वह 3 दिनों तक सोई होगी, क्योंकि जिस दिन उसकी नींद टूटी उस दिन एक अद्भुत और अलौकिक घटना की साक्षी बनी। वह नींद से जागने के पश्चात यानाम पिता के शव को टकट की लगाए देख रही थी। तभी उसने अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा कि एकाएक पिता के शव में कुछ हरकत हुई, फिर जोर से कुछ फूटने की आवाज आई। उसने आंखें मलकर देखा तो पिता का शव जिस कपड़े में लिपटा था वह कपड़ा बीच से फट गया था। कपड़े के फटने के स्थान पर एक छेद बना और उस छेद से हल्का हल्का धुआं निकला और फिर उस धुएं ने धीरे धीरे एक आकार ग्रहण किया। उस आकार में से एक चेहरा उभरने लगा। यानाम ने चकित होकर आंखें फाड़कर देखा, यह चेहरा किसी अन्य का नहीं बल्कि यह तो उसके पिता का है। यानाम खुशी से उछल पड़ी। उसने पिता के हाथ को थामा, मगर यह क्या, पिता का हाथ उसकी नन्ही हथेली में नहीं समाया। वह हाथ को छू नहीं पा रही थी।
अब उसने पिता के शरीर को छूने का प्रयास किया, किंतु शरीर भी पकड़ में नहीं आ रहा था। ऐसा लगता मानो हवा को पकड़ने का प्रयास कर रही हो। यानाम ने सोचा, कितना विचित्र है, मैं पिता को पकड़ भी नहीं पा रही हूँ और वे मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। यानाम ने देखा पिताजी अपने ही शव के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने जोर से जम्हाई ली और हाथ को सिर पर रखकर विचारमग्न अवस्था में बैठे रहे। यानाम उनके सामने खड़ी हो गई, परंतु उन्होंने यानाम को देखा तक नहीं। यानाम ने आबो पिताजी कहकर भी बुलाया, पर उन्होंने सुना नहीं। यानाम को बहुत आश्चर्य हुआ, वह तो पिता के कलेजे का टुकड़ा है, मगर ऐसी क्या भूल हो गई उससे कि पिता उसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब यानाम रोने लगी। यानाम ने सोचा पिताजी उसका रोना सुन उसे मनाएंगे, किंतु ठीक इसके विपरीत हुआ। पिताजी चुपचाप उठकर कब्र से बाहर चले गए। यानाम को लगा कुछ एक दिनों में पिताजी कितने बदल गए हैं। यह सोच वह और जोर से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद पिताजी अपने साथ कई सामान लेकर कब्र के भीतर उतरे। इन सामानों में लोबो, कंघा, योचिक, छोटी छुरी, दुमपेन, धातु के छोटे छोटे दानों से बनी माला, सल, चिलम और बोपा, टोपी आदि थे। यानाम इन चीजों को भली प्रकार से पहचानती थी। यानाम ने सोचा ये सारी चीजें तो घर पर रखी हुई थीं, तो क्या पिताजी घर जाकर इन चीजों को ले आए हैं? इसका मतलब यह पिताजी नहीं तो फिर कौन है? क्या यह उनकी आत्मा है? यानाम ने दादी से सुना था कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब 3 दिन पश्चात उसकी आत्मा अपने घर लौटती है और अपनी बाकी चीजों को ले जाती है। यानाम को अब समझ में आया, इसीलिए पिताजी उसको देख और सुन नहीं पा रहे। यानाम और भी भावुक हो गई। उसने असहाय नेत्रों से पिता की ओर देखा। पिताजी यानाम की उपस्थिति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। वह अपने शव के ऊपर बैठकर केशों को कंघे से सवारते हैं, फिर पुदुम केशों के गुच्छों को माथे के आगे जुड़े में बांधना बनाते हैं, सिर में दुमपेन धारण कर केश सज्जा को निखारते हैं, फिर बोपा लगाकर नया वस्त्र पहनते हैं, उसके पश्चात निश्चिंत भाव से सलर चिलम पीते हैं। इस दौरान कब्र के कोने की मिट्टी धीरे धीरे फटने लगती है। पिताजी वहां कटोरे के पानी में अपना चेहरा निहारते हैं, पुलुम पर हाथ फेरते हैं और पहने हुए वस्त्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। वे पूरी तरह सच स्वरकर तैयार हैं। इसके पश्चात वे कब्र की कोने वाली मिट्टी, जो फटकर अब गड्ढा बन गई थी, उसके भीतर समा गए। परंतु यानाम भी कहां हार मानने वाली थी, वह भी पिता के पीछे पीछे उस गड्ढे में कूद गई। घुप्प अंधेरा, गहन अंधकार में यानाम आगे बढ़ी जा रही थी। अंधकार की कालिमा में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, केवल पिता की चिलम की रोशनी बीच बीच में किसी जुगनू की भांति जल और बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत होता मानो वह किसी लंबी और